Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित ऐसा एक क्षेत्र जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। रंगत ऐसी कि देखते रह जाएं और खूबसूरती ऐसी कि नजर हटाने का दिल ना करे। लेकिन हिमालय की गोद में मुश्किल परिस्थितियों के कारण हमारे देशवासी प्रकृति के इस वरदान से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए अरुणाचल के स्थापना दिवस के उपलक्ष में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अरुणाचल में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवाहन और पर्यटन को बल देने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 2 नवंबर 2018 को भारत के उत्तर पूर्व में पहली बार टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत की। टूरिस्ट प्लेसेस पे यदि गाड़ियां खड़ी हों पुलिस की, तो उससे उनको एक बल मिलेगा, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ की पुलिस मुस्तैद है हमारी सुरक्षा के लिए। ये टूरिस्ट पुलिस इकाई अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों में शुरू की गई है और पर्यटकों की सहूलत हेतु अरुणाचल सुरक्षा मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है, ताकि यहाँ घूमने आने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रदेश में टूरिस्ट पुलिस की इस पहल की माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने काफी प्रशंसा की। आने वाला दिनों में काफी इनोवेशंस हमारे डीजीपी साहब लेके आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो है लो एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफी रिफॉर्म्स लेके आया, एंड इट हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लो एंड ऑर्डर। अरुणाचल प्रदेश 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से सबसे बड़ा होने के कारण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है, और इस आकर्षण को अलंकृत करने हेतु डीजीपी श्री एसबीके सिंह के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में पहली बार टूरिस्ट पुलिस यूनिट आरंभ की गई, और साथ ही पहली बार अरुणाचल प्रदेश ने नेशनल कार रैली की मेजबानी की। 4 नवंबर 2018 को सेपा जिले में महिला पुलिस स्टेशन भी शुरू किया गया और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाए गए। इसके अलावा म्यूरल पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से कम्युनिटी और पुलिस के बीच रिश्तों को बेहतर रूप देने की कोशिश भी की गई। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 46वें रेजिंग डे समारोह के अवसर पर डीजीपी श्री एसबीके सिंह के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदेश पुलिस के भिन्न अंगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अरुणाचल के कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में 1515 कांस्टेबल्स को, जिनकी 20 साल से ज्यादा नौकरी हो गई थी, उनको हेड कांस्टेबल का रैंक ऑनररी वे में दिया जाएगा। मैं सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से और तमाम अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से 46 अरुणाचल प्रदेश पुलिस के राइजिंग डे के इस शुभ अवसर पर आप सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एवं हमारे जितने भी अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवानों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। इसके साथ ही डीजीपी श्री एसबीके सिंह की पहल और अरुणाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के भरपूर सहयोग के कारण पहली बार अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने रेजिंग डे के साथ साथ एट होम का गौरव भी मनाया। आने वाला दिनों में मैं आप सबको एश्योर करता हूँ, हमारे पुलिस फेटर्निटी में जितने भी जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, आप लोगों को और भी मॉडर्नाइजेशन करने में हम लोग पूरा अपना स्टेट का रिसोर्स को भी आप लोगों के लिए हम लोग देंगे। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा खेलकूद और कला संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इसी गुण को केंद्रित करते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट, स्टेट वाइड सॉसर कंपटीशन, राइफल शूटिंग कंपटीशन और म्यूजिक टैलेंट हंट भी आयोजित करवाया गया।
अपने जवानों के जज्बे को बुलंद करते हुए 9 नवंबर 2018 को डीजीपी श्री एसबीके सिंह ने अलंकरण समारोह के तहत 1515 कांस्टेबल्स को प्रमोशन किए। जवानों को गठित करने हेतु पुलिस वेलफेयर सोसाइटी और अन्य यूनिट्स द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास केंद्र स्थापित कर स्थानीय लोगों खास तौर पर महिलाओं को कौशल का प्रशिक्षण देने की कोशिश भी की गई। सत्य, सेवा और सुरक्षा को अपनाकर माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने एक क्षेत्र को नया सुविधाजनक प्रारूप दिया है। वाकई अगर नियत हो तो नियति को सुनहरा रूप दिया जा सकता है। डीजीपी श्री एसबीके सिंह के अथक प्रयासों के कारण आज अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ उन्हें संपूर्ण सुरक्षा का एहसास भी दे रही है। अरुणाचल प्रदेश आइए और अपने देश के गौरव के साक्षी बनिए।